बताइए क्या रणनीति रहेगी आपकी आज के सत्र के लिए और अपनी एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। बिल्कुल, मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन पैनल। नहीं तो बिल्कुल, आई थिंक थोड़ी जो हमने गिरावट देखी थी, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड इन मार्केट्स लाइक दिस। सो जैसे वीरू जी आप कह रहे थे, आई थिंक 14800 14900 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट होना चाहिए। वॉल्यूम्स इनफैक्ट वर ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें फ्राइडे के सत्र में भी, इसलिए आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ एन एनकरेजिंग फैक्टर। हालांकि आई थिंक जो बाय फिगर एफआईसी थी वो थोड़ी कम थी, बट मेरे हिसाब से आई थिंक एवरी डिप ये बुल मार्केट्स में आई थिंक एक मेजर डिप अगर आती है तो जो क्वालिटेटिव स्टॉक्स है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव रहना चाहूंगा शैल जी मैं ये मार्केट्स में। हैविंग सेड दैट, इमामी इज something that I've discussed in the past, मुझे लगता है अभी भी I think इमामी को देखा जा सकता है। दो तीन मुख्य कारण I think इनके जो power brands है और market share का moats है उनके, I think नवरत्न oil हो, झंडू और मेंट हो, balms हो, fair and handsome cream हो, केश किंग हो, they have maintained that टॉप लाइन ग्रोथ रीजनेबल रही है, ग्रोस मार्जिन इन एक्सेस ऑफ 65% और EBITDA मार्जिन 26% के आसपास रही है। कैश फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी स्पेसिफिकली इन द सेकंड हाफ एंड इन द कमिंग ईयर इज वेल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इन टर्म्स ऑफ फर्दर मार्केट शेयर गेन्स एंड मार्जिन एक्सपेंशन इज वेल। मुझे लगता है इमामी को देखा जा सकता है। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया है शेयर फॉर द टारगेट्स एंड द स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। चलिए, आपके सामने ये पैसे, विदेशी पैसे जो हैं भारतीय बाजारों में आते हुए दिखेंगे। इसमें कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं आपके सामने। इंडस टावर्स पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है कविता जी की तरफ से, और इसमें एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपके सामने काफ़ी फेरबदल होती हुई दिख रही है रीबैलेंसिंग में फुटसी द्वारा भारतीय स्टॉक्स की। बताइए कोई एक या दो ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर आपको नज़र रहेगी यहाँ से मार्च 2019 तक। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सारे स्टॉक्स जैसे मोटा भाई ने कहे, आई थिंक यहाँ पे फ्लोज आने की वजह से सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट एक दो जो मैं रिजल्ट्स और आई थिंक इनफ्लोज दोनों को मद्देनजर रखे हुए देखूंगा तो मुझे लगता है आई थिंक एस्ट्रल पॉली पे एक ध्यान देना चाहिए। आई थिंक फोकस इसीलिए रहेगा क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, वाटर सैनिटेशन इरिगेशन पे, और जो वाटर पे आउटले भी दिया है नल से जल स्कीम्स में, एस्ट्रल पॉली शुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली और नंबर्स भी काफी बेहतरीन थे, तो एक एस्ट्रल पॉली पे मेरी ध्यान रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल नंबर अच्छे थे लेकिन आई थिंक सेलिंग थोड़ी देखी थी स्टॉक में, बट आई थिंक इस पे भी आई थिंक अगर ये पुल बैक देता 50 DMA में तक ध्यान देना चाहिए, एंड रिलायंस पार्टली पेड एज वेल, जो आई थिंक रिलायंस पे दर्शाया जाएगा। चलिए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक खबर है और SRF में आप पिछले हफ्ते काफ़ी मुनाफा वसूली होते हुए दिख रहे हैं। हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब जुड़े हुए हैं, और ना सिर्फ ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स टेट्राफ्लोरोइथेन। हर्षदा जी, मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी और इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ, ये आपको मयूरेश जी बताएंगे कि टेट्राफ्लोरोइथेन किस काम आता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो मयूरेश जी, ओवर टू यू। SRF और टेट्राफ्लोरोइथेन। तो शैल जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि आई थिंक यू आर नॉट ओनली गुड इन केमिस्ट्री बट यू आर वेरी वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स एज वेल, तो आई थिंक ये तड़का तो बहुत जबरदस्त है, नो टू वेज अबाउट इट। नहीं, जहां तक आई थिंक न्यूज का सवाल है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अगर एंटी डंपिंग आती है तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक SRF और जो हर्षद जी का नवीन एंड ऑल्सो आई थिंक गुजरात फ्लोरो, आई थिंक दे बेनिफिट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आई थिंक जो रेफ्रिजरेटिंग गैस रहते हैं आई थिंक एंड द केमिकल्स दैट यू यूज फॉर इवन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स, यहाँ पे आई थिंक एक जबरदस्त टूल मिल सकता है in terms of domestic volumes increasing significantly for SRF. पिछले तिमाही में हमने देखा था कि आई थिंक जो नई कैपेसिटी ऐड कर रही है SRF, वहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस यूनिट्स के यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे, एंड इफ दिस इज इम्प्लॉयड आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ अलॉन्ग विद प्राइस ग्रोथ शुड बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। HFC के प्राइसेस हार्डन हो रहे हैं तो आई थिंक दैट शुड बेनिफिट रेवेन्यू एंड EBITDA ग्रोथ अगले कुछ तिमाहियों में, और जो रेफ्रिजरेशन गैस का डिमांड है दैट हैज रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली, इसलिए रिप्लेसमेंट प्लस OEM डिमांड शुड प्रॉब्ली क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इंप्रूवमेंट फॉर SRF। तो यस, आई थिंक पॉजिटिव न्यूज रहेंगी तीनों स्टॉक्स के लिए। विस्तार योजना पर और खासकर केपेक्स पर चर्चा करेंगे मयूरेश जोशी साहब से। प्री ओपन में अभी आपके सामने 1.5 मिनट है। मयूरेश जी, ये खबर दिल्ली के गलियारों से आपको आती हुई दिख रही है कि सरकारी कंपनीज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है उस पर अब और अहम चर्चा होती हुई दिखेगी। राय आपकी इस पॉइंट पर आज के बाजार के लिए। नहीं, काफी पॉजिटिवली देगा मार्केट्स आई थिंक दोनों चीजों पे। एक तो जो केपेक्स प्लान अनाउंस किया है बजट में 5.45 लाख करोड़
जो 34% इंक्रीज है, आई थिंक इसपे शायद ये बैठक होगी कि कहाँ पे ये प्लान इंप्लीमेंट करना है और किस हिसाब से इंप्लीमेंट करना है। दूसरा आई थिंक डाइवेस्टमेंट्स, और अगर इस पे आई थिंक कुछ मोहर लगती है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, जो प्राइवेट केपेक्स को तुल मिलेगी बिकॉज ऑफ डाइवेस्टमेंट्स, ये पब्लिक केपेक्स को सपोर्ट करेगा। तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की आप बात करते हैं शैल जी, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, प्राइवेट केपेक्स कमिंग इन एज वेल, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा GDP पे, जॉब्स पे अगले कुछ तिमाहियों पे, दैट कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो बहुत पॉजिटिव खबर मानता हूँ।